उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं एक बटाटा बड़ा बनाने जा रही हूँ, तो आप लोग इसे देखें कैसे बनाती हूँ मैं। मैंने हाफ टी स्पून लाल मिर्च ली, बेसन में डाला, हाफ टी स्पून हल्दी ली, बेसन में डाला, हाफ टी स्पून अजवाइन बेसन में डाला, नमक पौन टी स्पून अपने हिसाब से, मैंने कहा आप लोग अपने हिसाब से डालें, एक चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर डाला, एक से सवा चम्मच कॉर्नफ्लोर डाला, हाफ टी स्पून काली मिर्च, सब डालने के बाद आप इसे, अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता पानी डालें, एक साथ ना डालें नहीं तो ये गांठ बन जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करें और डालते जाएं पानी जैसे मैं डाल रही हूँ। ये मैंने बैटर रेडी कर लिया, हाँ बैटर तैयार हो गया। अब मैं आलू में मसाले मिक्स कर रही हूँ, देखें आप। मैंने बारीक कटा हुआ पुदीना मिक्स किया, फिर धनिया मिक्स किया बारीक कटा हुआ, हरी मिर्च मिक्स की कटी हुई, लाल कुटी मिर्च मैंने एक चम्मच हाफ टी स्पून मिक्स की, नमक हाफ टी स्पून आप अपने हिसाब से डालें, मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ। सबको मैंने हाथों सबको हाथ से मैं मिक्स कर लूँगी। मैंने अंडे को उबाल के हाफ हाफ दो पीस में कर लिया है, अब मैं इस पर आलू से कोट करूँगी। आलू सब कर लूँगी, फिर का अंडे को मैंने ऐसे कोट कर लिया आलू से, अब इसी तरह सब अंडे के पीस को मैं कोट करके दिखाती हूँ। जैसे मैंने अंडे को आलू से कोट किया वैसे हरी मिर्च को मैं कोट करूँगी, देखिए आप लोग। बस मैंने मिर्च को भी आलू से कोट कर लिया, अब मैं इसे फ्राई करूँगी। अब अभी से देखिए मैं फ्राई करूँगी, कर लिया है एक एक इसको आराम से डिप करके बेसन में मैं कढ़ाई में डाल दूँगी। ये फ्राई हो रहा है, मैंने गैस सिम किया है, सिम नहीं बीच पे रखें, आप सिम ना करें बीच पे रखें, डिम पे रखें। अब ये फ्राई हो रहा है, आप जितनी बड़ी कढ़ाई आपकी उस हिसाब से डालें, मैंने छोटी कढ़ाई है इसलिए मैंने कम डाले हैं, तीन डाले हैं, आप अपने हिसाब से डालें। बटाटा एक बड़ा बना लिया, अब मिर्च हरी मिर्च और बटाटा बना रही हूँ, बस ये फ्राई कर लूँगी जैसे मैंने उसे फ्राई किया।
फिर करके दिखाती हूँ मैं आपको। मैंने एक पोटैटो बड़ा और चिली अब इसको काफ़ी टेस्टी होता है, आप भी बना के देखें, खाएं शेजवान चटनी और धनिया की चटनी के साथ, खा के बताएं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।